आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। मैं उस डरावनी रात को कभी नहीं भूल सकता जिस रात मैंने अपना सबसे अच्छा दोस्त राजीव को खो दिया। राजीव और मैं बचपन से एक दूसरे के साथ थे। राजीव मेरा दोस्त कम और भाई ज्यादा था। 10वीं कक्षा के बाद हम दोनों ने मुंबई के एक कॉलेज में एंट्री लिया जिसके लिए मुंबई शहर अनजान था, पर कुछ ही दिनों में हम उस शहर का चप्पा चप्पा जान गए थे क्योंकि राजीव और मैं पूरे गांव में बाइक से घूमा करते थे। हम दोनों रोज उसी शहर में घूमकर बोर हो चुके थे, इसलिए एक रात हमने लॉन्ग ड्राइव पर जाने का फैसला किया। हमने बदलापुर गांव के जंगल में जाने का प्लान बनाया। हम बदलापुर गांव के जंगल में कभी नहीं गए थे, पर हमने सिर्फ इतना सुना था कि बदलापुर गांव का जंगल सिर्फ नाम का जंगल है क्योंकि वहां हरे भरे पेड़ों के सिवाय कुछ नहीं था, क्योंकि उस जंगल में जो भी जंगली जानवर थे वो शिकार के कारण खत्म हो चुके थे। इसलिए रात में लॉन्ग ड्राइव पर जाने के लिए वो जंगल बिल्कुल अच्छा था। और उसी रात पूर्णिमा की रात भी थी, मौसम भी अच्छा था, इसलिए मैं राजीव के साथ बदलापुर गांव जाने के लिए राजी हो गया। रात के 11 बजे हम बदलापुर गांव के जंगल में दाखिल हो गए। हमने जैसा सुना था वैसे ही जंगल का रास्ता मक्खन की तरह मुलायम था। हमारी बाइक हवा से बातें करने लगी। वाकई बहुत मजा आ रहा था, पर मुझे इस बात से हैरानी हो रही थी कि हम जंगल के इतने अंदर आ चुके थे पर तब भी हमें रास्ते में एक भी गाड़ी दिखाई नहीं दे रही थी। जंगल का पूरा रास्ता एकदम सुनसान पड़ा था। तभी रास्ते में हमें एक पुल दिखाई दिया। राजीव ने उस पुल के बीचों बीच बाइक रोक दी। वो अंग्रेजों द्वारा बनाया गया पुल था, करीब 150 से 200 साल पुराना। पुल के बगल में एक छोटा सा बोर्ड लगा हुआ था और उस पर लिखा था सेंट जॉर्ज बुश। हम दोनों पुल पर गए और खड़े हो गए। पुल के नीचे से नदी बह रही थी और शीतल हवाएं चल रही थी। नदी में बहते हुए पानी में चांद साफ दिख रहा था। इतने में दूर जंगल से भेड़ियों के रोने की आवाज आई और पुल के ऊपर से बहने वाली हवाएं अचानक रुक गईं। नदी का पानी थम सा गया और चांद एक काले बादल के पीछे गायब हो गया। तभी हमारे सर के ऊपर एक चिड़िया भयंकर आवाज करते हुए चीखने हुए मंडराने लगी, मानो वो हमसे कह रही हो कि जल्दी यहां से निकल लो। तभी मैंने राजीव से कहा, राजीव कुछ अच्छा नहीं लग रहा चिड़िया का चीखना, मतलब हमारे चारों तरफ खतरा मंडरा रहा है, हमें जल्दी यहां से निकलना चाहिए। इस पर राजीव बोला, अरे भाई ये सब अशुभ अशुभ कुछ नहीं होता, बस ये अंधविश्वास है, यहाँ खड़े रहो और चुपचाप नज़ारा देखो। तभी मैंने राजीव से कुछ दूर पुल के पास एक औरत को खड़े देखा। दूर से तो वो दिखने में सुंदर लग रही थी। वो पुल के नीचे नदी में झांक रही थी। मैं उसकी तरफ देख ही रहा था कि इतने में वो औरत पुल के ऊपर चढ़ गई। तभी मैं बोला, राजीव अपने पीछे देख, वो औरत क्या कर रही है। राजीव ने पीछे मुड़कर देखा, वो औरत अभी भी पुल के रेलिंग के ऊपर चढ़कर नदी में झांक रही थी। तभी राजीव बोला, भाई भाई वो खुदकुशी करने की कोशिश कर रही है। राजीव ने मुझसे कहा, खुदकुशी ये शब्द सुनकर मेरे हाथ पैर कांपने लग गए क्योंकि जब मैं बच्चा था तब मेरे दादाजी ने खुदकुशी करके फांसी लगा ली थी और वो मैं ही था जो उन्हें पहली बार लटके हुए देखा था। इधर राजीव उस औरत को रोकने के लिए उसकी तरफ भागा, लेकिन मैं वहीं खड़ा रहा क्योंकि फांसी पर लटके हुए मेरे दादाजी मेरी आंखों के सामने आ रहे थे। राजीव तेजी से चिल्लाया, अरे क्या कर रही हो तुम, उतरो वहां से गिर जाओगी। राजीव की आवाज सुनकर मुझे होश आया। राजीव उस औरत के बहुत ही करीब पहुंच चुका था और तभी वो औरत
नदी में कूद गई। तब तक मैं दौड़ते हुए राजीव के पास पहुंचा। वो औरत हमारे सामने नदी में डूब रही थी और चीख रही थी, पर हम उसे सिर्फ डूबते हुए देख रहे थे क्योंकि हम दोनों बहुत ज्यादा डर गए थे। वो औरत मदद के लिए बुला रही थी। फिर तभी राजीव ने अपनी टी शर्ट उतारा और पुल के रेलिंग पर चढ़ गया। मैंने उसका हाथ पकड़कर उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना। उसने मेरे हाथ से अपना हाथ छुड़ाकर उस औरत को बचाने के लिए नदी में कूद गया। राजीव के कूदते ही उसने अपने आसपास देखा तो वो औरत कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। उसने सोचा कि वो डूब चुकी होगी। फिर उसने गहरी सांस ली और पानी के अंदर डुबकी लगाई। कुछ देर बाद वो पानी के ऊपर आया, लेकिन वो औरत कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। मैंने आंखें बंद कर भगवान से प्रार्थना की, लेकिन जब मैंने आंखें खोली तो मेरे बगल में ही पुल की रेलिंग पर वही औरत बैठी थी जो कुछ देर पहले नदी में कूद गई थी। वो किसी जंगली जानवर की तरह पुल की रेलिंग पर बैठी हुई थी और नदी में राजीव को देख रही थी। मैं मन ही मन सोच रहा था कि तभी मुझे लगा कि यह औरत कोई आम औरत नहीं बल्कि एक चुड़ैल है, और मैं डर के मारे कांपने लगा। मैं जोर से चिल्लाया। तभी वो चुड़ैल मेरी तरफ देखी और वो जैसे ही मेरी तरफ अपना सिर घुमाई, मैं सर से लेकर पैर तक कांपने लगा। उसका चेहरा काला और आंखें पीली थी। माथे पर एक बड़ा सा कुमकुम था और नाक में बड़ी सी नत्थी। उसके नुकीले दांत उसके मुंह से बाहर निकले हुए थे और उसके नाखून जंगली जानवर की तरह लंबे और नुकीले थे। तभी उस चुड़ैल ने कहा, क्या हुआ, मुझे ढूंढ रहे हो? राजीव पानी की सतह से हमें देख रहा था। उसे भी पता चल चुका था कि वो कोई औरत नहीं बल्कि एक चुड़ैल है। राजीव हमें चौड़ी आंखों से देख रहा था। मैंने सोचा अब ये चुड़ैल मुझे इसी पुल पर चीड़ फाड़ कर मार डालेगी और मेरे कच्चे मांस को चबा चबा कर खा जाएगी, क्योंकि मैं अकेले ही उसके पकड़ में जो आ गया था और डर के मारे मैं पूरी तरह से कांप रहा था। तभी उस चुड़ैल ने कहा, डरो मत, मैं तुम्हें नहीं उसे अपने साथ ले जाने आई हूँ। जब मैं ये सुना तो मेरा दिल डर से तहल उठा। मैंने राजीव से चिल्लाते हुए कहा, राजीव राजीव जल्दी पानी से बाहर निकलो, नहीं तो ये चुड़ैल तुम्हें ले जाएगी। राजीव पूरी तरह से डर गया था। उसके हाथ पैर सुन्न हो गए थे। उसे एहसास हो गया था कि वो नदी से बाहर नहीं निकल पाएगा क्योंकि वो नदी के बीचों बीच फंस चुका था। चुड़ैल ने मेरी तरफ देखा और हल्के से मुस्काई और फिर नदी में छलांग लगा दी। राजीव आखिरी बार चिल्लाया और चुड़ैल उसे पानी में अपने साथ ले गई। कुछ देर तक पानी में से बुलबुले निकलते रहे, पर कुछ देर बाद वो भी बंद हो गया। मैं आंखें फाड़ फाड़ कर नदी में देख रहा था और राजीव को पुकारता रहा, और इतने में ही नदी के पानी में खून दिखाई दिया। मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैं समझ गया कि उस चुड़ैल ने राजीव को मार दिया है। मैं वो सदमा बर्दाश्त नहीं कर सका। मेरी आंखों के सामने अचानक अंधेरा छा गया और मैं उसी जगह पर बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तब तक सुबह हो चुकी थी। मैं 4-5 लोगों से घिरा हुआ पुल पर काफी सारे लोगों की भीड़ जमी हुई थी। लोग पुल के नीचे झांक रहे थे। मैं उठा और दौड़कर पुल के पास गया और देखा पानी के नदी में किनारे पर राजीव की लाश तैर रही थी। उस चुड़ैल ने बड़ी ही बेरहमी से राजीव के सीने से दिल निकाल लिया था। मेरा सबसे अच्छा दोस्त मुझे छोड़कर चला गया था। उस दिन मुझे बदलापुर गांव के लोगों से पता चला कि उस नदी में 100 साल पहले किसी चुड़ैल का वास था। असल में हुआ यह था कि अंग्रेजों के जमाने में एक अंग्रेज अफसर ने मोहिनी नाम की एक औरत से छेड़छाड़ की थी। यह बात आसपास के हर गांव में फैल गई थी। इसी कारण मोहिनी से गांव के कोई भी औरत बात नहीं करती थी,
क्योंकि सब लोग यही कहते थे कि उसकी पवित्रता नष्ट हो चुकी है। गांव के लोग उसे हर दिन ताने मारते थे। कुछ दिन बाद मोहिनी के पति ने भी उसे छोड़ दिया। तब मोहिनी अपने घर चली आई। बदलापुर गांव ही उसका मायके था, लेकिन यहाँ भी उसे बहुत सारी बेइज्जती झेलनी पड़ी। हर दिन लोगों के ताने सुनकर वो तंग आ गए थे। इसलिए एक दिन पूर्णमासी की रात को मोहिनी ने बदलापुर गांव के इसी पुल से नदी में कूदकर खुदकुशी कर ली। मरने के बाद वो चुड़ैल बन गई और हर पूर्णिमा की रात मोहिनी उस ब्रिज पर आती थी और लोगों को इसी तरह कपट से अपना शिकार बनाती थी। बदलापुर गांव के कुछ बुजुर्ग लोग तो ये भी कहते हैं कि 100 पुरुषों या लड़कों का दिल खाने के बाद वो चुड़ैल फिर से एक सुंदर औरत बनने वाली थी। इसलिए वो सिर्फ पुरुषों या लड़कों को ही अपना शिकार बनाती थी और उनका दिल कच्चा चबा जाती थी। राजीव के मरने के बाद बदलापुर गांव के सेंट जॉर्ज ब्रिज पर फिर कभी भी वो चुड़ैल नहीं दिखाई दी। इसलिए बदलापुर गांव के लोग कहते हैं कि मेरा दोस्त राजीव ही उस चुड़ैल का आखिरी शिकार था और उसके बाद वो फिर से जिंदा एक सुंदर नारी बन गई है और अभी वो किसी आदमी के साथ सामान्य जीवन जी रही होगी। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। वरुण, अखिल और पराग तीनों ही अच्छे दोस्त हैं। तीनों बचपन से ही एक ही स्कूल में पढ़े थे और फिर आगे की पढ़ाई के लिए एक ही कॉलेज में दाखिला लिया था। कॉलेज में आने के बाद उनका एक सेमेस्टर अच्छी तरह से बीता था। एग्जाम देने के बाद दिवाली की छुट्टियां शुरू हो चुकी थीं। दिवाली की छुट्टियों में अखिल वरुण से और पराग से गोवा चलने के लिए कहा तो सभी लोग मान गए और वो लोग बहुत जल्द ही गोवा पहुंच गए। वहां पर उन्होंने एक होटल लिया और उसी होटल में रहने लगे। दूसरी रात को डिनर करने के बाद पराग वापस बालकनी में खड़ा सुंदर नज़ारे का लुत्फ उठा रहा था कि तभी उसकी नज़र वापस से एक उसी दिशा में गई। एक बार फिर कल रात की तरह ही उसी नज़ारा देखा उसने। इस बार ये बात पराग को अजीब लगी। तब वरुण और अखिल जाग रहे थे, इसलिए पराग उनके पास गया और उन्हें लेकर वापस बालकनी में आया। पराग ने उन दोनों को भी आसमान में दिख रहे उस धुएं को दिखाया। ये देखने के बाद अखिल ने उन्हें उसी जगह पर चलने के लिए कहा। पराग चलने के लिए तैयार था, मगर वरुण को नींद आ रही थी, इसलिए उसने आने से इनकार कर दिया। इसलिए वरुण को वहां होटल के रूम पर अकेला छोड़कर पराग और अखिल उस जगह पर निकल पड़े जहां से धुआं उठ रहा था। उस जगह पर पहुंचने के बाद उन्होंने देखा कि बीच का वो हिस्सा रात के समय पूरी तरह से सुनसान था। वहां पर कुछ लकड़ियां थी जो जलकर बुझ रही थी। ऐसा लग रहा था कि कुछ देर पहले ही उन्हें जलाया गया हो। ये देखने के बाद उन्हें कुछ समझ नहीं आया कि वहां पर चल क्या रहा है। फिर बिना कुछ जाने ही वो दोनों वापस अपने होटल के कमरे में चले गए और कुछ देर बाद सो गए। अखिल को तुरंत नींद आ गई, मगर पराग सोने से पहले उन लकड़ियों के बारे में ही सोच रहा था। तीसरे दिन भी उन तीनों ने बहुत मजे किए, नई नई जगहों पर घूमे। इस बीच पराग को एक रेस्टोरेंट के वेटर से पता चला कि बीच का वो हिस्सा जहां पर पिछली रात वो तीनों गए थे वो हॉन्टेड था। कुछ लोग वहां से लापता हो जाते हैं और कभी नहीं मिलते। ये सब जानने के बाद पराग ने सारी बातें अखिल और वरुण को बताई। ये सब जानने के बाद अखिल आज रात को भी उस जगह पर चलने के लिए तैयार था, मगर वरुण को डर लग रहा था। उसके बावजूद वो दोनों उसे लेकर रात के समय उस बीच के उस हिस्से में चले गए। इस बार वो थोड़ा जल्दी गए थे ताकि देख सके कि वहां पर होता क्या है। वो दूर से ही एक बड़े पत्थर के पीछे छिपकर उस जगह को देख रहे थे जहां पर बीती रात उन्हें जली हुई लकड़ियां मिली थी। वो बीच पूरी तरह से सुनसान था।
अभी वहां पर आए उन्हें बस 5 मिनट ही हुए होंगे कि उन्होंने देखा कि एक हट्टा कट्टा आदमी अपने हाथ में एक बहुत बड़ा छुरा लिए बीच पर आ चुका था। दूर अंधेरे में उसका चेहरा तो नहीं दिख रहा था, मगर वो बहुत भयानक लग रहा था। उसे देख उन तीनों को थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा। इसके बावजूद वो हिम्मत करके उस पत्थर के पीछे ही छुपे रहे। उस आदमी ने वहां पर लकड़ियों को इकट्ठा करना शुरू किया, फिर लकड़ियां जलाकर वो उन लकड़ियों के चक्कर काटने लगा। चक्कर काटते वक्त उसने वो छुरा अपने हाथ में ही पकड़ा था। आग इतनी भयानक तरीके से जल रही थी कि आसमान में बहुत सारा धुआं दिखाई दे रहा था। लकड़ियों के चक्कर काटने के बाद वो आदमी एक जगह पर आकर खड़ा हुआ और अपने दोनों हाथ आसमान में खड़े कर दिए। एक हाथ में छुरा था जो कि चांद की रोशनी में चमक रहा था। वो कुछ बड़बड़ाने लगा। वो नजारा इतना भयानक था कि वो तीनों अपनी जगह पर ही जम गए। इतना भयानक नजारा वो तीनों देख ही रहे थे कि अचानक अखिल को जोर की छींक आई और उस आदमी का ध्यान उनकी तरफ चला गया कि कोई उसे छिपकर देख रहा है। ये उस आदमी को पता चल गया और वो उन तीनों की तरफ दौड़ने लगा। उस आदमी के हाथ में छुरा था और वो अपनी ओर आता देख वो तीनों डर के मारे पीछे पलटकर जोर से दौड़ने लगे। दौड़ते वक्त उन तीनों में से किसी ने भी पीछे पलटकर नहीं देखा। वो सभी दौड़ते हुए सीधे अपने होटल पर ही जाकर रुके। होटल में आने के बाद जब उन्होंने पीछे पलटकर देखा तो वो आदमी उनके पीछे नहीं था। उन्होंने उसे चकमा दे दिया था, मगर वो सब क्या था ये आज तक किसी को पता नहीं चल पाया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।